चलें जी, दिस इज आई कैप समर 2023। ठीक है, ये एक 50 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन हमारे सामने है। इसके कुछ अपेंडिसेस हैं, अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स टू एंड अपेंडिक्स थ्री। तीन अपेंडिक्स के साथ हमारे पास ये सवाल मौजूद है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं तकरीबन हमारे पास 6 रिक्वायरमेंट्स और 50 मार्क्स की कैटेगरी का ये सवाल है। सॉरी, अपेंडिक्स फोर भी है इसका। लेट मी गेट दैट अपेंडिक्स फोर एज वेल। मैं अपेंडिक्स फोर भी यहाँ पर ले आऊँ। सर हम देख लें, अपेंडिक्स फाइव तो नहीं है। नहीं, अपेंडिक्स फाइव नहीं, ठीक है, अपेंडिक्स फोर तक है। अब हम इस सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग यहाँ पे होनी चाहिए, कैसे हमें यहाँ पे जो है वो इसको ड्राफ्ट करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सेल शीट के ऊपर इसको इसीलिए करवा रहा हूँ, मेरी हमेशा आदत रहती है कि आपको कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से नजर आ जाए कि किस तरीके से नंबर्स कैलकुलेट करने, सिंस यू विल बी डूइंग योर आंसर इन द सॉफ्टवेयर फॉर्मेट। और जो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हैं वो मैं पेन से लिखता जाऊंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ऊपर जो आपका डिस्क्रिप्शन वाला स्पेस है उसके अंदर आपको किस तरीके से जो है वो अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस सोल्यूशन को मेरे साथ करने के बाद आप इसे सॉफ्टवेयर पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि पिछले आपने पोर्टल पे कुछ लेक्चर्स देखे होंगे जो हमने पोर्टल के ऊपर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर किए हुए हैं, जहाँ पे जिस तरीके से टाइप जो है वो किया जाता है। सही है, टुडे इज 3rd of March 2026 ले लें या 2016 ले लें। मुल्तान कम्युनिकेशंस लिमिटेड MCL इज लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रोवाइड्स बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज टू अ रेंज ऑफ क्लाइंट्स ग्लोबली। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है आप लोगों को? यहीं पर कोई मसला हो तो प्लीज़ बताइएगा। इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर सर्विसेज देते हैं टू अ रेंज ऑफ क्लाइंट्स ग्लोबली। ये भी एक बड़ा मशहूर बिजनेस मॉडल है। आपका कॉल सेंटर जो है वो आउटसोर्स हुआ हुआ होता है किसी और कंपनी को, और वो कंपनी जो है वो बहरहाल उस एतबार से आपके कॉल सेंटर को लेके चल रही होती है, और साथ साथ दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी सेम सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। बाय रेवेन्यू 40% ऑफ सेल्स हैव बीन टू यूरोप, 50% ऑफ द USA एंड द रिमेंडर टू वेरियस कंट्रीज थ्रू आउट एशिया। सर नॉर्मली यूरोप, US, UK इस तरह की कंपनीज में इन कामों के लिए लेबर बहुत महंगी होती है, सिक्योरिटी के खर्चे करने पड़ते हैं, जगह लेनी पड़ती है, रेंट पे करना पड़ता है, यूटिलिटीज पे करनी पड़ती हैं, फिर अच्छी खासी सैलरीज लोगों को देनी पड़ती है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल, SSN, ये वो फलाना, सोशल सिक्योरिटी वगैरह, 10,000 मसले मसाइल होते हैं जो आपको वहाँ पे जो है वो बेयर करने पड़ते हैं। तो इस तरह के लोग हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे कॉस्ट कम आती है, जहाँ पे इंसानी जान की कीमत कम है, यानी कि उनकी मजदूरी कम है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड करते हैं और हमें दे देते हैं कि हम इसको मैनेज करें। 40% सेल्स इनकी इसी तरीके से यूरोप से आती हैं, 50 USA से आती हैं और बाकी एशिया से आती हैं। ऑल द कॉल सेंटर्स आर लोकेटेड इन एंड अराउंड मुल्तान इन द पंजाब रीजन। ज़्यादातर जो इनके कॉल सेंटर्स हैं वो बहरहाल जो है वो या तो मुल्तान के अंदर हैं या पंजाब के इस तरीके के रीजनल एरियाज के अंदर। विद न्यू कॉल सेंटर्स रिसेंटली ओपन्ड इन बहावलपुर, खानेवाल एंड मुजफ्फरगढ़, MCL हिस्टोरिकली लीजेस कॉल सेंटर स्पेस बट ओन्स द टेक्नोलॉजी यूज इन द सेंटर्स टू फैसिलिटेट कॉलिंग। जगह रेंट पर लेते हैं लेकिन ज़रा जो उनकी ज़रा जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी अपनी होती है, वो उनकी अपनी IP होती है, उसको वो बहरहाल जो है वो ओन करते हैं। ठीक है, जो भी कॉल सेंटर वगैरह, जैसे मैंने भी कॉल सेंटर में जॉब की है, उस वक्त वहाँ पे एक सिस्टम लगा होता था प्रोटेक्टिव डायलर, PD, फोन पाकिस्तान से जाता था लेकिन वो दिखता ऐसे था कि जैसे उनके होम कंट्री से उनको कॉल की जा रही। सही है, आउटबाउंड कॉलिंग सर्विसेज में इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, गैदरिंग कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट रिकॉल्स। इनबाउंड कॉलिंग सर्विसेज में इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द क्लाइंट कस्टमर्स और प्री सेल्स प्रोडक्ट इंक्वायरीज। यहाँ पे आप एक बात समझ लें, आउटबाउंड कॉलिंग वो है जो कॉल सेंटर वाले अपने क्लाइंट के कस्टमर्स को कर रहे हैं एडवर्टाइज करने के लिए, फीडबैक के लिए और प्रोडक्ट रिकॉल के लिए। इनबाउंड का मतलब है कि उनको कॉल आ रही है सामने से आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए, और इसके अलावा जो है वो प्री सेल्स प्रोडक्ट इंक्वायरीज के लिए, जहाँ पे कस्टमर सवाल कर रहे हैं। MCL यूटिलाइजेज स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स टू नेविगेट इट्स ऑल कॉल कोऑपरेटिव्स थ्रू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस अडैप्ट अकॉर्डिंग टू अर्लियर आंसर्स टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट इंटरेक्शंस विद द कॉलर। टेक्निकली इन्होंने एक CRM टाइप की चीज़ लगाई हुई है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टाइप की कोई चीज़ लगाई हुई है। कॉलर जब आपको फ़ोन करता है तो उसके पिछले सवाल भी नज़र आ रहे होते हैं, जो दूसरे लोगों ने फ़ोन किया होता है उनके आंसर्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, ताकि आप ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकें, अपडेटेड बात उनके साथ कर सकें। ठीक है, द क्वेश्चंस अडैप्ट अकॉर्डिंग टू अर्लियर आंसर्स टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट इंटरेक्शंस विद कॉलर्स। द कॉल सेंटर्स आल्सो फॉलो अप कॉल्स
यूजिंग वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग ईमेल एंड सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज शुड फॉलो अप बी रिक्वायर्ड. ऑल कॉल्स यूज VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टू मैनेज कॉल कॉस्ट. बिजनेस इज देयरफॉर हेविली रिलायंट ऑन द अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द इंटरनेट. दैट सेड आउटेजेस हैव बीन इनक्रेडिबली रेयर फॉर द बिजनेस विद रिलायबल फाइबर ब्रॉडबैंड बीइंग कॉमन इन द रीजन. भाई स्टॉर्म फाइबर जैसा कोई चीता लगाया हुआ है इन्होंने अपने पास, और इन्हें इंटरनेट का भी कोई मसला नहीं हो रहा जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल सिस्टम्स ऑल्सो गैदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा टू सपोर्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स. CRS client reporting system produces tailored reports for clients and is capable of profiling callers not only by their call responses but by linking those responses to other data sources found on client systems and social media platforms amongst others. This helps clients with the decision making and targeted marketing campaigns. ये क्या करते हैं, ये बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं अपने कस्टमर को. यहाँ पे जो आपको बात बता रहे हैं ना कि अच्छा खासा डेटा जमा करते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे पावर बी आई के ऊपर डैशबोर्ड्स बना के SQL टेबल्यू वगैरह पे अच्छे डैशबोर्ड्स बना के बड़ी टेलर मेड रिपोर्ट्स देते हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट्स देते हैं, जिसमें पता चलता है कि यार किन कॉलर्स ने फ़ोन किया, उनको हमने क्या रिस्पॉन्स दिया, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा हुआ था, आपके अपने क्लाइंट सिस्टम पर क्या लिखा हुआ था, आप आगे कैसी मार्केटिंग कैंपेन उनसे कर सकते हैं. MCL has been approached by one of its existing major clients who has offered to purchase this information not just from its own campaigns but also from the campaigns for of others in the industry to help its product planning and approach to marketing. ek aaya usme se wo keh raha hai ki bhai mujhe ye data bhej do, mujhe information bech do, main paise dene ke liye taiyar hu, purchase is information ko pay karne ke liye taiyar hu, aur sirf meri apni campaign ke liye nahi दूसरों की कैंपेन के लिए भी मुझे बताओ जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं. टू हेल्प इट्स प्रोडक्ट प्लानिंग एंड अप्रोच टू मार्केटिंग. MCL's फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज बीन इंप्रूविंग इन रिसेंट ईयर्स, ये अपेंडिक्स वन, बट फॉरेन एक्सचेंज गेन्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस लीडिंग टू लार्ज एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ बोनसेस बीइंग पेड. सीधी सी बात है सर, US से, UK से, इन जगहों से, यूरोप वगैरह से आपके पैसे आ रहे हैं, डॉलर 150 से 300 रुपये पे चला गया, 280 पे चला गया, तो आपका तो गेन ही हुआ होगा. क्लाइंट्स आर इन्वॉइस्ड इन देयर डोमेस्टिक करेंसी, आप उनसे वहाँ पर उनकी अपनी करेंसी में जो है वो चार्जेस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी ऐसे ही चाहिए. बट ऑल कॉस्ट आर डिनोमिनेटेड इन पाकिस्तान रुपीज ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक. कॉल वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एज मेनी फेस टू फेस इंटरेक्शंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू टेलीफोन अपेंडिक्स 2 फॉर डिटेल्स. द कॉल सेंटर इंडस्ट्री हैज अट्रैक्टेड न्यू एंट्रेंट्स विद इंक्रीज कॉम्पिटिशन प्रेशर एज अ रिजल्ट. MCL has relatively low staff turnover compared to industry averages, which has contributed to its success as call satisfaction ratings are relatively high. Inflation is high at 25% per annum, reflecting a post-pandemic bounce in global energy prices. Sir, ये यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? Simple ये कहना ये चाह रहे हैं. देखो इस तरह के छोटे छोटे notes बनाओ तो बात समझ में आती है. ये यहाँ पे कह रहे हैं भाई revenue foreign currency में है, कॉस्ट लोकल करेंसी में है, एंट्री आसान है, कोई खास बैरियर नहीं है, इसलिए कंपटीशन पोस्ट कोविड तरीके से ऊपर जा रहा है, बहुत तरीके से ऊपर जा रहा है और नजर आ रही है बात. सर इनका कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है? देखो ये तुम्हारा बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है. सर इनका कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है? देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना, न्यू एंट्रेंट्स आना शुरू हो गए, इंक्रीज्ड कंपेरेटिव प्रेशर है, लेकिन इनकी इनकी बात क्या है? इनका है लो स्टाफ टर्नओवर कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज. इनको लोग छोड़ के नहीं जाते, इनको लोग छोड़ के नहीं जाते. कोई मुझे बता सकता है, इसी पैराग्राफ में उसका रीजन भी लिखा हुआ है क्यों छोड़ के नहीं जाते, इसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है रीजन उसका, सवाल में ही. क्या मुझे कोई बता सकता है? कॉल सेटिस्फेक्शन रेटिंग हाई है. अब यार तुम लोग ऐसे बिल्कुल मुर्दे की तरह सुनते रहोगे, जवाब नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा. कॉल सेटिस्फेक्शन हाई है. एग्जैक्टली सर, ये लिखा हुआ है यहां पे साफ साफ. फॉरन एक्सचेंज गेन कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से आप लार्ज एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ बोनसेस दे रहे हैं. पहले शुरू किया था ना, अर्ली शुरू किया था, अच्छे बोनसेस दे रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा हो गया है, लेकिन बाकी लोगों को प्रेशर क्या फील हो रहा है?
बाकी लोग तो अब एंटर हो रहे हैं तो उनको एम्प्लॉय महंगा पड़ रहा है 25% की वजह से, इन्फ्लेशन के ऊपर उनको एम्प्लॉय बहरहाल महंगा पड़ रहा है, रिफ्लेक्टिंग अ पोस्ट पेंडेमिक बाउंस एंड ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। मजीद इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के इम्कान हैं। इनका कंपेरेटिव एडवांटेज ये है कि इनका लो टर्न ओवर ऑफ द स्टाफ है। स्टाफ का टर्न ओवर बहुत कम है इनका। द फाइनेंस फंक्शन हैज विद इन इट अ सेपरेट ट्रेजरी फंक्शन दैट इज करेंटली ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर। द ट्रेजरी फंक्शन चार्जेस अदर ग्रुप फंक्शंस फॉर इट सर्विसेज एंड इज इंसेंटिवाइज्ड फाइनेंशियली वाया अ जेनरस बोनस स्कीम टू मेक अ प्रॉफिट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देता है और उस पर एक प्रॉफिट चार्ज करता है, उस पर एक पैसे चार्ज करता है और एक प्रॉफिट सेंटर की तरह जो है वो काम करता है, ठीक है ना। ट्रेजरी फंक्शन स्टाफ हैव अर्नड सिग्निफिकेंट बोनसेस इन रीसेंट टाइम्स। द ट्रेजरी फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेस्ट रेट एंड फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सारे काम वैसे भी ट्रेजरी के होते हैं। कंपनी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिपोर्ट्स टू द हेड ऑफ फाइनेंस गयास मलिक। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को रिपोर्ट करना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट को ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके फाइनेंस। ये वाला एक मसले वाली बात है। द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट इंटरनल कमिटी में ऑडिट होना रिसेंटली चाहिए, रेज्ड अ कंसर्न। माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज अपना। इंटरनल ऑडिट कमिटी को। द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रिसेंटली रेज्ड अ कंसर्न विद द लेवल ऑफ रिस्क दैट द ट्रेजरी फंक्शन पोटेंशियली एक्सपोजेस द वाइडर ग्रुप टू। द एंसुइंग डिस्कशन इज नोटेड इन अपेंडिक्स 3। तीनों अपेंडिक्स के बारे में इन्होंने हमें बता दिया। सर चाहते क्या है, मांग क्या रहे हैं। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एमसीएल परफॉर्मेंस मेजरमेंट 14 नंबर। असेस वेदर ट्रीटिंग द ट्रेजरी फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर इज ऑप्टिमल। क्या ये इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंटरनल ऑडिट को तो उसको जो बोर्ड बीओडी की रिस्क कमेटी है उसको रिपोर्ट करना चाहिए ना, वरना अगर इंटरनल ऑडिट फाइनेंस को रिपोर्ट करेगा तो फाइनेंस कभी अपनी गलतियां निकालने देगा, कभी भी नहीं निकालने देगा अपनी गलतियां। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। इवेल्युएट हाउ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ऑपरेशंस कुड बी यूज्ड टू क्रिएट और इंक्रीज कंपेरेटिव एडवांटेज, और क्या बेहतर किया जा सकता है इनके लिए। असेस वेदर सेलिंग कॉल डेटा इज एथिकल, एथिकल बात है या नहीं। आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद द करंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर इंटरनल ऑडिट। वो हमने कहा बिल्कुल सही नहीं है, हमें इसके रीजंस बताने होंगे और जस्टिफिकेशन देनी होगी सूटेबल चेंजेस के साथ। और टैक्स स्ट्रेटजी डिस्कस करें विच एमसीएल में कंसिडर एंड एडवाइस विच स्ट्रेटजी एमसीएल टू फॉलो। यहाँ पे 10 नंबर में हम थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी वगैरह इसके हवाले से जो है वो बता देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 बड़ी रिक्वायरमेंट 6 बड़ी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं और हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स को भारी भारी जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले कहते हैं इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, पहले हम अपेंडिक्स देख लें वन बाय वन। अच्छा, इसमें इन्होंने हमें मैनेजमेंट अकाउंट्स दिए हुए हैं दिसंबर 31, 2000, बिल्कुल 1 साल पहले के, ठीक है। इसको हम इवेल्युएट करेंगे, इनबाउंड आउटबाउंड का रेवेन्यू, एवरेज एक्सचेंज रेट्स 2000 एक साल पहले क्या थे अब क्या हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस 4% सुपर टैक्स इनका टैक्सेशन का नंबर है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 33%, ठीक है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हो गया, उसके अंदर करेंसी का एक्सचेंज गेन शामिल होगा, कॉल सेंटर के स्टाफ की कॉस्ट भी बढ़ी है इन्फ्लेशन की वजह से, साइट का रेंटल भी बढ़ा है इन्फ्लेशन की वजह से, पावर टेली कम्युनिकेशन की कॉस्ट भी बढ़ी है रेंट इन्फ्लेशन की वजह से, डिप्रिसिएशन रिलेटिवली फ्लैट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केपिक्स में नहीं हो रही, सेल्स एंड मार्केटिंग तकरीबन उतना ही, हेड ऑफिस की कॉस्ट बढ़ चुकी है इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है और भी देखते हैं, और अदर कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। इंटरेस्ट तकरीबन फ्लैट है, हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा। पीबीटी आ गया, फिर आपका टैक्स आ गया, टैक्स में 2 चीज़ें इनबाउंड आउटबाउंड के रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया हुआ है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अभी जब हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। नंबर ऑफ कॉल्स इन मिलियंस 1360 से 1433, कॉल सेटिस्फेक्शन रेटिंग 3.9 3.9 3.3 3.1। इंडस्ट्री एवरेज थोड़ा नीचे आया, इनका फ्लैट है, बढ़ना चाहिए था, बढ़ा नहीं है। स्टाफ टर्नओवर इनका कम है इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा। नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स 9 से 12 हो चुके हैं, अच्छी ग्रोथ है, और ये 12,500 से 14,625 हो चुके, ठीक है। रेटिंग स्किल मिनट्स ऑफ मीटिंग बिटवीन द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड द हेड ऑफ फाइनेंस। हेड ऑफ फाइनेंस गयास मलिक, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट तालिब खान, 22 जनवरी 2016 मीटिंग मिनट्स एक्सट्रैक्ट। द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फॉर दिसंबर 2015 वॉज डिस्कस्ड एंड ऑल रिकमेंडेशन अडॉप्टेड विद द एक्सेप्शन ऑफ रिव्यूइंग द ट्रेजरी फंक्शन इन डिटेल इंक्लूडिंग इट्स स्टेटस एज प्रॉफिट सेंटर। जी एम नोटेड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट हैज बीन जनरेटेड बाई द ट्रेजरी फंक्शन
एंड हेल्ड इट्स परफॉर्मेंस एज अ ह्यूज सक्सेस। जी ए मेरिट, दैट्स व्हाई आई ऑथोराइज यू टू डू इट व्हेन यू वर द फाइनेंशियल कंट्रोलर तालिब, एंड व्हाट अ ग्रेट डिसीजन इट हैज टर्न्ड आउट टू बी इन दिस टर्बुलेंट टाइम्स। द प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय ट्रेजरी हैव सेव्ड आवर स्किन्स विद द इन्वेस्टर्स। ये बहरहाल इंटरनल ऑडिटर ने दिया है, अब उसी का फैसला था ये करने का, तो वो अपने फैसले के खिलाफ बेचारा क्या बात करेगा। और ट्रेजरी को पैसे दे दिए तो गए तो कंपनी की ही जेब से ना, लोगों ने ही दिए। खैर इस पर भी बात करते हैं हम। फिर डिटेल्स ऑफ रिसेंट एक्विजिशन। MCL is currently paying 29% corporate tax and 4% super tax. MCL has been paying taxes for many years under normal tax regime. On 1st January 2015, MCL acquired 100% shares of Sahiwal Limited, a company engaged in the same business as MCL. Company ka financial year end is also 31st December. SL had brought forward loss assessed tax losses on the date of acquisition. Additionally, SL also incurred tax losses during the financial year 2015. Taba will need reflecting in tax calculations going forward. थोड़ा बहुत इन्होंने अपेंडिक्स फोर में हमें एक एक्विजिशन और टैक्स का डेटा दिया हुआ। बारह, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट नंबर वन की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट वन में कहते हैं इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। अब भाई एक तो बैठे बिठाए मिल गया है, वो इंपैक्ट यहां पर है आपका यूएस डॉलर और यूरो का, सही है, यूएसडी और यूरो। सर अगर मैं यूएसडी की बात करूं दैट्स 231.1, फिर है 235.2, इसी तरीके से 202.1 और 199.8। अगर हम इन दोनों की जरा ग्रोथ निकालें तकरीबन 14% और 18%, एवरेज 14 से 18% रेवेन्यू तो सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़ गया है। एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट ही 14 से 18% है, उसके अगेंस्ट इन्फ्लेशन 25% है। तो अब आपने जितने मल्टीपल रेशियोज हो सकते हैं वो कैलकुलेट करने और ये देखना है कि यहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है। क्या रेवेन्यू में सिर्फ एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट है या वॉल्यूम का इम्पैक्ट भी है, अगर है कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है। कॉल्स अगर बढ़ रही हैं तो बढ़ना चाहिए। कॉल सेंटर स्टाफ कॉस्ट के बारे में, रेंटल के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, इनके ऊपर हमें कमेंट्री करनी है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 times ग्रो हो चुकी है। 474 के प्रॉफिट से 1634 जा चुकी है। यहाँ स्टाफ कॉस्ट के अंदर हमें नज़र भी आ रहा है कि जी बोनसेस दिए हैं, अच्छी सैलरीज दी हैं, जिसकी वजह से नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं कैलकुलेट करो, एक एक लाइन में उसकी कमेंट्री लिखो, फिर मैं 5 से 7 मिनट में आपको उसका आंसर ड्राफ्ट करवाता हूँ, और जो ड्राफ्ट करवाऊंगा उसमें देखना क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। आ जाए जी, अब हम इस आंसर को ड्राफ्ट करने की बात जो है वो कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ MCL। हाँ जी, कोई कॉमेंट्स आप लोगों के इसके ऊपर? यहाँ पर आप बात इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि भाई एट फर्स्ट ग्लांस, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ठीक है ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही, वंडरफुल परफॉर्मेंस। आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो 474 से 1634 चली गई है, प्रॉफिट इंक्रीज आपका बन जाता है यहाँ पर 1634 / 474 - 1, यानी शेयर होल्डर की जेब में आप तकरीबन 250% की ग्रोथ लेकर गए। 245% ग्रोथ आप शेयर होल्डर की जेब में लेके गए, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अब आप इसकी डिटेल्स या कंपोनेंट वाइज इस पर जो है वो बात करेंगे। नाउ यू विल गिव डिटेल्स ऑफ Each of the items, ठीक है। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं रेवेन्यू को पिक करता हूँ, मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ। सर रेवेन्यू के अंदर मेरे पास नंबर है 35817, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ नंबर है 24544। अब आप अगर यहाँ पे इंक्रीज निकालेंगे
ये बनता है तकरीबन तकरीबन 46% का इंक्रीज। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट ड्राइवर फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी, रीजन फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी। रीजन कह लें या आप जो है उसको ड्राइवर कह लें, सही। लेकिन सर क्या यहाँ पे बात ये खत्म हो जाती है? नहीं, यहाँ ये बात खत्म नहीं होती। टेक्निकली स्पीकिंग इस रेवेन्यू के पीछे हमें देखना होगा वॉल्यूम इफेक्ट कितना है, ठीक है, रीजंस में वॉल्यूम कितना है। सर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मुझे यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ कॉल्स बताई हुई है 1433 और 1360, सही है, ये मुझे उन्होंने बताया हुआ है। अगर मैं इसकी ग्रोथ निकालता हूँ तो ये मेरे पास बन जाती है 5%, ये वॉल्यूम है, ठीक है। दूसरा है फॉरेक्स यानी कि एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट मेरे पास कितना है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ। सर एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट है मेरे पास एवरेज ऑन एन एवरेज 15 से 16% का। पंद्रह से 16%, 15 से 16% मेरा एवरेज जो है वो ये गेन है और 5% ये, तो आप दोनों का अगर मिला लें 16+1 या 15+5, तकरीबन तकरीबन इन दोनों का वॉल्यूम और एक्सचेंज रेट का इफेक्ट बनता है 20%, ठीक है ना। 20% दोनों को इंक्रीज करके हमारा इफेक्ट बन जाता है, यानी हम बोले 15% एवरेज प्लस 5% बिकम्स 20%, ठीक है, 20% का इम्पैक्ट मेरा यहाँ पर आ जाता है। सर सवाल ये पैदा होता है बाकी इम्पैक्ट क्या है, बाकी क्या चीज़ है, यानी मैंने 20% इसकी वजह से गेन कर लिया, 5% मैंने वॉल्यूम की वजह से कर लिया, 25% हो गया, लेकिन एक्चुअल इंक्रीज तो मेरा 46% हुआ है। इसका मतलब ये है दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस एंड दे वर एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। द कंपनी वॉज एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विस या इम्प्रूव सर्विस एंड हेंस दे कुड इंक्रीज द प्राइस फॉर द कस्टमर, ठीक है ना। इन्होंने प्राइस का इंक्रीज करवा लिया और कोई रीजन यहाँ पे तीसरा हो नहीं सकता, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्राइस का इंक्रीज करवा लिया। अब देखो इधर जो आप लोग कहते हो ना सर सिनेरियो से रिलेट कैसे करेंगे, सिनेरियो से, ये हम सिनेरियो की ही तो बात कर रहे हैं भाई। देखो तुम समझे नहीं ना, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसे लोगे, तुम तो इंटरनेशनल कस्टमर को चार्ज कर रहे हो ना, इंटरनेशनल कस्टमर को तुम्हारी चार्जेबिलिटी है, तुम्हारा बिजनेस कहाँ से आता है, यू तुम्हारा बिजनेस यूरोप से आता है, तुम्हारा बिजनेस यूएस से आता है, फिर सिचुएशन को लिंक करो यहाँ पे, इस सिचुएशन को यहाँ पे आप लिंक करो। ये क्या कह रहा है, हमारा बिजनेस कहाँ से आ रहा है, सर हमारा बिजनेस यूरोप से आ जाता है, हमारा बिजनेस यूके से आ यानी यूएस से आ जाता है, ज्यादातर काम हम यहाँ से करते हैं, 40% ऑफ सेल्स, ठीक है, बीन टू यूरोप एंड 50% टू द यूएस है। अब एक उनके पैसे देने में एक्सचेंज रेट की कमी है, एक मैंने कॉल ज्यादा की है, तो जिसको तुम इन्फ्लेशन कह रहे हो ना, टेक्निकली मैंने पर कॉल उनसे पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे, पर कॉल उनसे पैसे ज्यादा चार्ज किए हैं, वो तुम ये कह सकते हो कि मैंने अपनी प्राइस को इंक्रीज किया है, जिसको इन्फ्लेशन आंसर में कह रहा है ना एग्जामिनर, वो टेक्निकली बात ये कर रहा है कि आपने यहां पे अपनी प्राइस इंक्रीज की है। अब ऐसे ही कोई आपको प्राइस नहीं बढ़ाने देता, आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, अच्छी सर्विस दे रहे होते हैं, तो वो प्राइस बढ़ाने देता है, या आप जरूरत की कोई चीज दे रहे होते हैं, असेंशियल दे रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपका एक यानी समझो हेयर ड्रेसर है, एक नाई है जिसके पास आप हर महीने जाते हैं अपनी हेयर ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए, ब्लेड के लिए, अब वो पैसे ज्यादा मांग रहा है लेकिन उसका काम अच्छा नहीं है, क्या आप उसे ज्यादा पैसे दे देंगे, कभी भी नहीं देंगे। जिसको आप प्राइस इंक्रीज कह रहे हो वो एक्चुअली कोई इसीलिए मानता है क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा है या आपको उसकी जरूरत है, पेट्रोल असेंशियल है, गैस असेंशियल है, जितनी की भी हो जाए हमें पैसे भरने, बिजली असेंशियल है, जितनी की भी हो जाए हमें पैसे भरने, हमें देने ही पड़ेंगे, लेकिन हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत है इसलिए हम प्राइस ज्यादा दे रहे हैं। अगर आज मुझे ये एक्सेस होता कि मैं चाइना इंडिया से बिजली खरीद सकता होता तो क्या मैं ये पैसे देता, नहीं सर, जिसकी अफोर्डेबिलिटी है वो सोलर लगा रहा है, वो सोलर लगा रहा है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है लेकिन उसको बिजली सस्ती पड़ रही है,
इसलिए क्योंकि उसके पास एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, एक बेहतर सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस की वजह से सामने वाला आपके प्राइस इंक्रीज को कबूल कर रहा है। और आपने वहां पर अपनी प्ली क्या दी है, आपने अपनी प्ली ये दी है कि भाई इन्फ्लेशन इज अप ड्यू टू ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। लेकिन आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी सर्विस कस्टमर को पसंद आ रही है, तो ही तो वो प्राइस इंक्रीज एक्सेप्ट कर रहा है। कस्टमर इज एक्सेप्टिंग दैट बिकॉज दे लाइक द सर्विस। अगर वो उसको पसंद ही नहीं करेंगे तो कभी प्राइस इंक्रीज मानेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे। अब आप देखें जो अच्छे बड़े ब्रांड्स होते हैं वो प्राइस से बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग दूसरे ब्रांड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने आईफोन से शिफ्ट कर लिया, उन्होंने बोला भाई अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, अच्छा लगता है, सब कुछ है, लेकिन हद से महंगा होता चला जा रहा है। और कराची का माहौल ऐसा, कोई भी आएगा आपको मतलब बोलेगा ये जो जेब में आपका मोबाइल पड़ा हुआ है ना, ये हमारा है, हमें दे दें, आपको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, तो आप उस प्रोडक्ट से हट गए, उसका वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। मैं कितने लोगों से बात की, वो यही बताते हैं कि जी मोबाइल मार्केट में यानी चीज तो बहुत महंगी हो गई है, बाजार कैपिटल बहुत नजर आ रहा है बिजनेस के अंदर, लेकिन खरीदार इतने नहीं है। रियल एस्टेट का यही हाल है, कहाँ है इन्फ्लेशन रियल एस्टेट के अंदर मुझे बताओ, पाकिस्तान में नहीं है ना। प्राइसेस उल्टी नीचे जा रही हैं, क्यों, लोग तैयार ही नहीं है पैसे लगाने के लिए। बोल रहे भाई जिस घर में बैठे वहीं बैठे रहेंगे, नहीं कर रहे हम शिफ्ट कहीं और, पैसे ही नहीं है लगाने के लिए अभी लोगों के पास। उन्होंने इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो है वो बैंक बैंक में रखवा दिए हैं, 22% इंटरेस्ट रेट है बैंक को दे दिया है कि जी लो। बैंक कोई 18 दे रहा है, कोई 19 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई म्यूचुअल फंड 18, 19, 20% दे रहे हैं, इस्लामिक म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न दे रहे हैं। नहीं लगा रहे लोग जमीन में, जिसका प्लॉट 4 साल पहले 70 लाख का था आज भी 70 लाख का है, बताओ कहाँ है इन्फ्लेशन उसमें। भाई एक्चुअल बात ये है कि आपने प्राइस इंक्रीज निगोशिएट कर लिया और आपने प्ली ये दी कि इन्फ्लेशन है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट इसीलिए किया क्योंकि वो सर्विस पसंद करता है आपकी। अगर वो सर्विस ना पसंद करता होता तो आप कैसे इंक्रीज करते अपने प्राइस को, कभी भी इंक्रीज नहीं करते। नाउ दैट इज अ बिजनेस रीजन कि यार आपकी कैपेबिलिटी है कि आप अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर जो है वो अग्री करवा रहा है, अग्री कर रहा है कि हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हें एक हायर प्राइस जो है वो उसके ऊपर दूंगा। ये कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर एक इंडिकेशन नजर आ रही है, तुम्हें परफॉर्मेंस से लिंक करना है ना एट द एंड ऑफ द डे हर चीज को, परफॉर्मेंस से उसको आप लिंक करो, परफॉर्मेंस से लिंक होती हुई ये चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें जो है वो नजर आ रही है। सर तो रेंटल इज ओनली 4% टू 5% और इन्वेस्टमेंट होती है, बट जब आपकी इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान 40% है तो फिर 22% रिटर्न सीम्स मोर। ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? दानिश तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। परमिशन टू स्पीक। अच्छा ये लो जी परमिशन टू स्पीक दे दिया। सर, तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर हमें पता है ना सर, जब आपके पास इन्फ्लेशन हाई पे होता है और आपके हाँ इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं, तो इसलिए आपको वो ज़्यादा रीजनेबल लगता है इन्वेस्टमेंट। तो जो आपके रियल स्टेट में इसलिए भी कम है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते घर खरीदना, हर कोई हाँ अपनी सेविंग से तो ले नहीं सकता सर। जब आप बैंक के पास जाते हैं 22%, उसका दूसरा इम्पैक्ट है कि रेंटल्स की जो वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट से हाँ वो 4 से 5% आती है। बाहर मुल्क में ये कॉन्सेप्ट रियल स्टेट का इसलिए स्ट्रॉन्ग चलता है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेंटल का जो रेट होता है और आपका वो अपना ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट रेंट है ज्यादा मिलता है नियर टू उनको। सेम होना, सही है। यस, तो फिर इसलिए वो इनकरेजिंग होता है। तो सर इसमें भी मेरा ये था कि पाकिस्तान में भी अगर ये एक इस सवाल से नहीं, एक ओवरऑल अगर एग्जाम में सवाल आता है और वो इन्फ्लेशन देता है, तो सर होम कंट्री की जो, अगर मेरा प्रोडक्ट भले एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है बट होम कंट्री की प्रोडक्ट की जो फैक्टर्स है, क्या वो मेरे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं करते सर अल्टीमेटली, कि जो बाहर का इन्फ्लेशन अल्टीमेटली इफेक्ट तो करेगा ना मेरी प्राइसिंग पे, कि जब मुझे बारे में ही नहीं पड़ेगा बाहर एक्सपोर्ट करना उस प्राइस में क्योंकि मेरी लोकल प्राइसेस इंक्रीज है, अरे कर रहा है, तो उसका कस्टमर इम्पैक्ट मान रहा है, होगा मैं ना। ये कह भी रहा हूँ कि प्राइस इंक्रीज है, कस्टमर ने एग्री कर ली आपकी इन्फ्लेशन वाली बात कि इन्फ्लेशन की वजह से आपने प्राइस बढ़ाया है, लेकिन वो आपके पास से शिफ्ट नहीं कर रहा ना, आपको उसने रेवेन्यू दिया हुआ है, हायर प्राइस में भी आपसे सर्विस ले रहा है, इसीलिए ले रहा है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस वगैरह बढ़ गई है, उसको बात समझ आ रही है, लेकिन आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, अगर इनकी रेटिंग यहाँ गिरी हुई होती तो ये प्राइस इंक्रीज मिलता या वो कहीं और शिफ्ट हो जाता।
नहीं, गिरी हुई रेटिंग होती तो जाहरी बात है शिफ्ट कर चुके बस होते, एग्जैक्टली थ्री मैं पॉइंट यही नाइन की बात कर रहा रेटिंग हूँ, की वजह से। सिर्फ मैं यही ओके बात कर सर, रहा ओके हूँ। आओ अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो रेवेन्यू को हमने सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक डायग्नोज किया, और डायग्नोज करके इस बात को समझने की कोशिश की कि भाई इसके अंदर कुछ इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का है, कुछ इम्पैक्ट इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम का है, और कुछ इम्पैक्ट इसके अंदर इन्फ्लेशन या जो आप प्राइस फ्लक्चुएशन कह रहे हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन का, ठीक है। अच्छा सर, रेवेन्यू का एक और एनालिसिस भी हो सकता है, वो है रेवेन्यू पर एम्प्लॉई। हमारा रेवेन्यू यहाँ पे बन कितना रहा है, 35817, और यहाँ बन रहा है 24544। देखिए सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर ना एक बहुत जरूरी मेट्रिक होता है रेवेन्यू पर एम्प्लॉई। आप जिन फर्म्स में अभी हैं उनके पार्टनर्स इवेल्यूएट करते हैं अपने आप को रेवेन्यू पर पार्टनर के हिसाब से, रेवेन्यू पर स्टाफ के हिसाब से। तो यहाँ हमारा स्टाफ कितना है, 14625 और 12500, ठीक है। 14625 और 12500, ठीक है। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू पर स्टाफ, सही है। सर अगर मैं रेवेन्यू पर स्टाफ निकालने जाऊं तो ये नंबर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 2.45, और यहाँ आ रहा है 1.96। इधर भी मैंने इम्प्रूव किया है, वो नेचुरली किया है, इसीलिए किया है क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि मेरे रेवेन्यू के अंदर जो है वो इंक्रीजेज हैं, मेरा रेवेन्यू फैक्चुअली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन बहरहाल मेरा स्टाफ भी उसी तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहा है, मैं पर एम्प्लॉई स्टाफ के अंदर भी जो है वो मेरे पास इंक्रीज आ गया। अच्छा अब जरा अगर हम देखें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है, सर ये परसेंटेज इंक्रीज आया है 24 या 25%। अगर मेरा एक्चुअल रेवेन्यू 46% से इंक्रीज कर रहा है तो पर स्टाफ की बेसिस के ऊपर भी मुझे यही एग्जैक्ट परसेंटेज जो है वो नजर आनी चाहिए। अगर यही एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे पास नजर नहीं आ रही, इसका मतलब मैंने जो स्टाफ इंक्रीज किया है वो उसी प्रोपोर्शन में रेवेन्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा जिस प्रोपोर्शन में पिछला वाला प्रोवाइड कर रहा था। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक एनालिसिस और कर सकते हैं, विच इज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स। नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स, सर नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने दिए हुए, 12 और 9, 12 और 9, ठीक है। हम रेवेन्यू पर कॉल सेंटर भी निकाल सकते हैं, पर कॉल सेंटर। सर अगर मैं रेवेन्यू पर कॉल सेंटर निकालता हूं, तो यहां मेरे पास एक इंक्रीज वाली सिचुएशन 9% आ रही है, लेकिन एक्चुअल में मेरा रेवेन्यू 45% इंक्रीज हुआ है। अगर लास्ट टाइम वाले ही नंबर होते, ये एक्सचेंज रेट ना होता, एक्सचेंज रेट का गेन ना होता, प्राइस की इंक्रीज ना होता, ग्लोबल इन्फ्लेशन ना होता, तो फिर मैं कहाँ खड़ा था, फिर मेरा रेवेन्यू पर स्टाफ भी कम हो सकता था और मेरा रेवेन्यू पर कॉल सेंटर भी कम हो सकता था। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका ऑप्टिमाइजेशन का रूम अभी बाकी है, ऑप्टिमाइजेशन यहाँ फर्दर हो सकती है। हैड देयर बी नो चेंज इन फॉरेक्स एज वेल एज इन्फ्लेशन, दीज नंबर्स कुड हैव गिवन नेगेटिव सिचुएशन। वो बहरहाल एक नेगेटिव सिचुएशन वहां पे जो आपके लिए जो है वो क्रिएट हो सकती थी। तो कंपनी को ये देखना होगा कि भाई इन्होंने स्टाफ बढ़ाया है, कॉल सेंटर्स बढ़ाए हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या मजीद ऑप्टिमाइजेशन, मजीद चीजें यहाँ पे जो है वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती, सही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो दानिश, ये भी पॉइंट हमारा सही है कि सर अगर मैं नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाता नहीं, कॉल सेंटर नहीं बढ़ाता, तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ नहीं आ सकती। तभी मैंने ऑप्टिमाइजेशन की बात की ना, मैंने ये नहीं कहा कि यार आप इनको निकाल दो। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है जहां जहां बेहतरी हो सकती है, जहां जहां इंप्रूवमेंट हो सकती है, एज मच एज पॉसिबल उतनी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाए, एज मच एज पॉसिबल जितनी इंप्रूवमेंट यहाँ लाई जा सकती है लाने की कोशिश की जाए रेवेन्यू पर एम्प्लॉय और रेवेन्यू पर कॉल सेंटर के हवाले से, ठीक है। सर इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपका सेल्स मिक्स, ये पॉइंट भी अपनी जगह पर मौजूद है। सेल्स मिक्स में ना ये वाला नंबर इंक्रीज कर रहा है आपका, एक मिनट दीजिएगा प्लीज।
सेल्स मिक्स में ये वाला नंबर आपका इंक्रीज कर रहा है इनबाउंड का, यानी जो आपकी इनबाउंड की कॉल्स हैं या इनबाउंड का जो रेवेन्यू है 45% वो बढ़ चुका है। मे बी कंपनी कैन लुक फॉर मोर कस्टमर्स ओवर हियर, और यहाँ पे एक नीश डेवलप की जा सकती है। सो यू कैन से दैट इनबाउंड कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग, हेंस द कंपनी वुड फोकस हेयर मोर एंड गेट फर्दर क्लाइंट्स। कंपनी जो है वो और क्लाइंट्स यहां से हासिल कर सकती है, मे बी देर आर अदर कस्टमर्स एज वेल। सर बट ऐसा हुआ क्यों होगा, इसका प्राइमरी ड्राइवर कौन होगा, क्यों ये हुआ है? पोस्ट कोविड मोर कॉन्वर्सेशंस ऑनलाइन, कोविड के बाद सर ज्यादा लोग मीटिंग्स में, अपनी बात करूं तो हम ऑनलाइन मीटिंग्स पे, ऑनलाइन क्लासेस पे, इन सब चीजों पे शिफ्ट हो चुके हैं और ज्यादातर लोग फोन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आज मुझे भी अगर कोई चीज इस तरीके की होती है, कोई काम होता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनके कॉल सेंटर पे कंपनी से लोगों से बात हो जाए। कहीं पे कोई रिजर्वेशन वगैरह करवानी होती है तो हम जो है वो बात करते हैं फोन करके, पूछते हैं कि जी ऐसा 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 है। पहले ऐसा होता था कि जगह देखने के लिए, विजिट करने के लिए लोग चले आया करते थे, अब सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, रील्स देखते हैं, फलाना देखते हैं, और ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सूरत हाल जो है वो कैसी है, हमें यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये बात 100% जो है वो समझ में आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक प्राइमरी ड्राइवर है वो आपका पोस्ट कोविड है, कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉल सेंटर्स पे बात करना जो है वो शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या मेट्रिक दिया हुआ है सर, आउटबाउंड, आउटबाउंड रिलेटिवली यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि आउटबाउंड में शायद लोग अब ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सोशल मीडिया, वेबसाइट, इन चीजों के थ्रू उसको देखने में। ठीक है ना, आउटबाउंड की परसेंटेज के बारे में ये कंसिडर करना होगा, सिर्फ कंसिडरेशन है, आउटबाउंड कंसिडरेशन, पीपल माइट बी मोर इंटरेस्टेड to see products on social media and website rather than calls. तो कॉल्स की जगह पॉसिबल है कि वो ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड हो कि भाई हम जाके सोशल मीडिया देखें, हम जाके जो है वो वेबसाइट देखें। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या बताया हुआ है सर, कॉलर की सेटिस्फेक्शन रेटिंग शुड गो अ लिटिल बिट अप, ये थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिसोर्सेज लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बेशक आपका स्टाफ टर्नओवर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, स्लाइट इंक्रीज हुआ है, कोई तो बहुत ज्यादा मसला नहीं है स्टाफ टर्नओवर के अंदर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी रेटिंग थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ चुकी हैं, नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ चुकी हैं, लेकिन रेटिंग एग्जैक्टली वही सेम है। नए एम्प्लॉयज भी आए हैं, कुछ पुराने छोड़ के गए हैं, रेटिंग एग्जैक्टली सेम है। मतलब कोई नेगेटिव साइड पे भी उतना ही काम कर रहा है जितना पॉजिटिव साइड के ऊपर काम हो रहा है, और फैक्चुअली स्पीकिंग आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आउट कर गए, इंडस्ट्री एवरेज थोड़ा नीचे आया है। अच्छा कोई बता सकता है इंडस्ट्री एवरेज क्यों नीचे आया होगा, जहन में आती है बात, बहुत ही बहुत सॉलिड पॉइंट है, इसको कोविड से लिंक करो तो मैं समझ आ जाएगा जवाब, कोविड से, न्यू एंट्रेंट्स कॉम्पिटिशन आए से। क्या हैं सर, न्यू कह रहे एंट्रेंट्स हो, आए हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं सर, इतने सारे न्यू एंट्रेंट्स आए, एक्सपीरियंस नहीं होंगे सर, और एग्जैक्टली वो बहुत सर्विस सारे देख नए नहीं पाए। एंट्रेंट्स घुस गए हैं तो हर किसी को ये काम करना नहीं आ रहा। अब आप देखो ना वेबसाइट डिजाइनिंग और ये सब चीजों में, वेब डेवलपमेंट वगैरह में इतने लोग घुसाए थे, एक वक्त आया था वेबसाइट का काम कचरा हो चुका था, अच्छा आदमी ढूंढना ऐसा था कि आप जंगल में सुई तलाश कर रहे हैं, इतने लोग घुसाए थे और इतनी सेटिस्फेक्शन खराब हो गई थी इस काम की, मतलब लोग 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार में वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हो गए थे, तो काम क्वालिटी का नहीं होता था, किसी को भी सस्ते में पकड़ा करवाना शुरू किया तो वो
इंडस्ट्री की जो एवरेज यानी रेटिंग थी, सेटिस्फेक्शन रेटिंग थी, वो बहरहाल जो है वो नीचे आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात नजर आती है कि यार इधर एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर द कंपनी मौजूद है। एज कंसिडरिंग हाई बोनसेस एंड सैलरीज, दिस शुड मार्जिनली इंप्रूव एवरी ईयर। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन कमिंग अप, ये इंप्रूव होना चाहिए स्लाइटली हायर। ये नॉर्मल है। अच्छा, आप लोग ना एक एक बुलेट पॉइंट बनाएंगे इस चीज के ऊपर, जो मैं ये एरो बना बना के पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, आप ये पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इंक्रीज किए हैं, नंबर ऑफ कॉल सेंटर स्टाफ इंक्रीज किया है, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। ठीक है, सही है, ये सारी बातें हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ जीपी मार्जिन वगैरह निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कॉमेंट कर सकते हैं आप। स्टाफ कॉस्ट पे इन्फ्लेशन वाली बात जो है वो लिख सकते हैं। इंक्रीज इन कॉस्ट को बहुत हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है इन्फ्लेशन वगैरह से, सही है। इंक्रीज इन स्टाफ कॉस्ट, एक तो आपके बोनसेस हैं, ठीक है, मोटिवेशन के लिए आपने सैलरीज अच्छी दी हुई हैं, मार्केट से आप अच्छी सैलरीज देते हैं, और दूसरा उसके अंदर इन्फ्लेशन का फैक्टर भी है, रेंटल के अंदर भी इन्फ्लेशन का फैक्टर है, जनरली तकरीबन सब जगह पे आपका इन्फ्लेशन का फैक्टर नजर आ रहा है। कोई टैक्स के बारे में कोई कॉमेंट देगा? हाँ जी, एनीवन? 29% कॉर्पोरेट टैक्स, 4% सुपर टैक्स। अच्छा, ये वो बात है जो हम यहाँ पे भी बात करेंगे। आप एक्चुअली तो वो यही है, लेकिन चूंकि मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है तो मैं इसके ऊपर आपसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ। कुछ गलत नजर सर आता है आपको एक्सपोर्ट यहाँ पे? आईटी हाँ, सर्विस, सर आईटी एक्सपोर्ट से 1% नहीं होना चाहिए सर? एक्सेलेंट, 1% भी नहीं है काका, गलत बता रहे हो। ओके FTR 0.25%, इट कैन बी ऑप्टेड। ओके हाँ, 0.25% है, बिल्कुल। नहीं ऑप्ट करोगे तो 1% कटता जाएगा, लेकिन ऑप्ट करो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में 1% कटता है, लेकिन ये वाला इधर का सब्जेक्ट है, नजर पड़ गई थी तो मैं उसके ऊपर वहां पे बात कर रहा था। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इज 0.25% अंडर FTR। और जब हम यहाँ वाले पार्ट तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो फिर हम इसको भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहरहाल आपके मोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस के हवाले से यहाँ जो है वो हमने डिस्कस किए। अब नंबर टू पे आता है, असेस वेदर ट्रीटिंग द ट्रेजरी फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर इज ऑप्टिमल फॉर MCL और नॉट। हाँ भाई, क्या कहते हैं उसके बारे में? हाँ, ग्रुप रिलेटेड बेनिफिट और टैक्सेशन पे भी हम बात करेंगे जब उस पार्ट पे आएंगे, तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बिटवीन द हेड ऑफ इंटरनल हेड ऑफ फाइनेंस एंड। अच्छा, एक तो देखो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि उसने रिव्यू ही नहीं किया, एक्सेप्शन ऑफ रिव्यूइंग ट्रेजरी फंक्शन इन डिटेल इंक्लूडिंग इट्स स्टेटस एज अ प्रॉफिट सेंटर, GM नोटेड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज बीन जनरेटेड बाय ट्रेजरी फंक्शन। अच्छा, कहीं पे इन्होंने हमें बताया ट्रेजरी ने कितना अमाउंट जनरेट किया है? यहाँ पे कहीं भी नहीं है, इधर भी गालिबन कहीं है, उन्होंने हमें इस तरीके से नंबर नहीं दिया हुआ। ये भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, बताएं ट्रेजरी फंक्शन को इस तरीके से, काशिफ पड़े हुए ड्राइव पे ऑलरेडी, टैक्स के नोट्स ऑलरेडी ड्राइव पे पड़े हुए हैं बड़ी, इस दफा कोई चेंजेस नहीं है ना? फाइनल बजट अब आएगा, बजट के आने के बाद चेंजेस आएंगे, वो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट होंगे। नहीं, ये सैफुल्ला सफीउल्ला, ये तो तुम जो जवाब दे रहे हो ये अगले पार्ट का है, ये यहाँ रेलिवेंट ही नहीं है, उस पर अभी हम पहुंचे ही नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ट्रेजरी फंक्शन एज ए प्रॉफिट सेंटर की बात कर रहा है इन्फॉर्मेशन, ये जो इंटरनल ऑडिट है इस पर तो हम बाद में आएंगे, करंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम किस पे बात करें? अभी हम बात करें इसके ऊपर कि भाई ट्रेजरी ट्रेजरी फंक्शन एज ए प्रॉफिट सेंटर ऑप्टिमल है या नहीं। ट्रेजरी फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, ट्रेजरी फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर कैसा है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे फिलहाल बात करनी। हाँ जी,
क्या समझ आता है पॉइंट आपके यहाँ पे? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इससे क्या मतलब है? ट्रेजरी निगोशिएट करता है। हाँ सर देखो, जब सबसे बैंक्स के बड़ी पास बात तो समझा यहाँ पे, देखो मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया, सबसे बड़ी बात तो तुम्हारे यहाँ पे ये यह है कि भाई सिंस प्रॉफिट्स एंड देन बोनसेस आर डिपेंडेंट ट्रेजरी विल गिव इट्स बेस्ट, डिपार्टमेंट इट्सेल्फ विल क्वेश्चन एंड प्रेशराइज ट्रेजरी टू परफॉर्म वेल। एक तो वो खुद बड़े मोटिवेटेड होंगे कि वो ज्यादा कमाए, बोनसेस हों, ठीक है सब कुछ अच्छी बात, और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको खुद क्वेश्चन करेंगे और प्रेशराइज करेंगे ट्रेजरी को कि भाई अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा परफॉर्म करो। देखो ये असेस की बात करें ना, असेस का मतलब आपको उस अच्छाई बुराई दोनों बतानी है, असेस करना है सिचुएशन, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है, होना चाहिए इस तरीके से कि नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट देमसेल्व्स विल क्वेश्चन एंड प्रेशराइज ट्रेजरी टू परफॉर्म द बेस्ट, अच्छा परफॉर्म करने के ऊपर वो मजबूर करेंगे इनको कि भाई आप सही परफॉर्म कर रहे हो या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हम आपके साथ इस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और कभी कभी अगर उनको मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट्स को ये नजर आ गया ना कि भाई ये प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा ना डिपार्टमेंट बाहर किसी से सर्विस लेना शुरू कर दे, तो कुछ उसके नुकसान भी हैं। सर नुकसान की अगर हम बात करें तो अपने प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट्स एंड बोनसेस ट्रेजरी में टेक मोर देन रिक्वायर्ड रिस्क, जरूरत से ज्यादा रिस्क ले सकता है या मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, फ्रंट रनिंग वगैरह और उस तरीके की चीजें होती हैं अनड्यू प्रॉफिट बनाने के लिए। तभी इनसाइडर ट्रेडिंग में इंटर हो सकता है कि जी कंपनी के पैसे पड़े हुए हैं, फलाना स्टॉक में लगा दो, फलाना स्टॉक में लगा दो, अनड्यू प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकता है। ये वाले मेल प्रैक्टिसेस का और इन चीज़ों का मसला अपनी जगह पे जो है वो एक एक बड़ा मसला है, बड़ी प्रॉब्लम है। कल को हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, ठीक है ना, और फिर वो हो सकता है अपना टारगेट मीट करने के बाद परफॉर्मेंस अच्छी करें ही ना। वंस द टारगेट इज डन इज अचीव्ड दे स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट्स मे टेक एक्सटर्नल सर्विस, उनके पैसे देने ही है तो भाई हम किसी और को दे देते हैं, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क। डिपार्टमेंट बोलेगा भाई जब मुझे तुम्हें पैसे देने ही हैं तो फिर कटो, मैं किसी और को दे देता हूँ, तुम्हारी सर्विस मुझे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है ना। वो एक कमर्शियल एंगल आ जाता है, कमर्शियल एंगल आ जाता है बहुत ज्यादा। और अगर आप वैसे देखो तो इसकी वजह से डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होगी, तो वो बहुत दफा कोशिश करेंगे कि हमें इनकी सर्विस का कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए। डिपार्टमेंट्स में लूज देयर टारगेट्स एंड मे अवॉइड इन्वॉल्विंग ट्रेजरी इन क्रूशियल मैटर्स। पता चला आपने डिपार्टमेंट का कोई एएम या असिस्टेंट मैनेजर फारिक बैठा हुआ है, उसको बोला भाई जा बैंक के पास जा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करके आ जा, इनसे बात करेंगे तो ये तो पैसे मांगेंगे हर चीज में, बड़ा बड़ा अपना मुंह फाड़ेंगे, हमें इनके पास नहीं जाना, तुम एक काम करो तुम खुद जाओ बैंक से बात करो और बैंक को बोलो यार इस तरीके से जो है वो करके आ जाए, इस तरीके से चीज लेके आ जाए। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ड्राफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, क्या आप सिचुएशन से कैसे रिलेट करते हैं आंसर को। यहाँ पे कौन सी बात ऐसी हमने लिखी है जिसको आप कह सकते हैं कि हम कोई किताबी बात कर रहे हैं या हम किसी पैराग्राफ को रेफर कर रहे हैं या हम किसी डब्बे को थियरी को रेफर कर रहे हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमने उसको सिचुएशन से प्रॉपरली सिचुएशन से लिंक किया, प्रॉपरली सिचुएशन से जो है वो उसको लिंक किया और लिंक करके हमने आंसर दिया है।
फिर इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे कहते हैं असेस वेदर सेलिंग द डेटा इज एथिकल और नॉट एंड डिस्कस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेलिंग द कॉल डेटा। हाँ भाई एथिकल है या नहीं है सेलिंग कस्टमर डेटा। सी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे पहले हम पार्ट डी कर रहे हैं। हाँ जी बेच सकते हैं या नहीं, डिपेंड्स सर किस चीज पे डिपेंड करता है भाई। देखिए अगर आप कस्टमर नेम रिमूव कर दें और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दे दें जो कि मिक्स्ड है इंडस्ट्री डेटा है लाइक इंडस्ट्री डेटा, तो शायद उसकी रेपरकशन ना हो, शायद उसके कोई इफेक्ट्स ना हो और वो एक न्यूट्रल काम हो और आपका थोड़ा उससे प्रॉफिट बन जाए। पॉसिबल है, ये हो सकता है कि आप अगर कस्टमर का डेटा इस तरह से सेल कर रहे हैं कि आप ये बता ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कि भाई ये किसका डेटा है, किसके पास आया है, कौन इसमें, एनोनिमाइज कर दिया आपने डेटा को बिल्कुल, यानी एक एक इंडिपेंडेंट व्यू दे दिया डेटा को और फिर दिया तो फिर शायद ये मसला। लेकिन सर फिर भी स्टिल देर आर चांसेस टू नो द नेम इफ प्लेयर्स आर लेस। अब मेरे पास एक डेटा आया, मुझे पता है भाई तीन ही कंपनी है, उन्हीं तीन से निकल के आया है, तो मैं थोड़ा तोड़ मोड़ के जोड़ जोड़ के कुछ कर करा के कुछ करके बहरहाल कर सकता हूँ ना, इसको तोड़ सकता हूँ, तो स्टिल रिस्क रिमेन्स। ठीक है स्टिल मेरा जो रिस्क है वो अपनी जगह पर रहेगा। द रिस्क रिमेन्स, फिर ये आपकी जो यानी ये जो चीज है ना ये अनएथिकल हो जाएगी। सही है, ये अनएथिकल हो जाएगी। अनएथिकल में फिर आपको पेनल्टी लग सकती है, आपकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, रेप्यूटेशन के ऊपर जो है वो दाग लग जाएगा, रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, ये चीजें मसले मसाइल आपके साथ हो सकते हैं। सर इसका बेहतर तरीका क्या है, इसका बेहतर तरीका क्या है, अभी उसने पूछा नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बेहतर तरीका ये है कि आप फाइंडिंग्स निकाल के रिपोर्ट की फॉर्मेट में दे दें इन द फॉर्म ऑफ अ कंसाइज रिपोर्ट बट नॉट डेटा। बट नॉट द डेटा, वो जो मांग रहे हैं ना उन्हें जिन डेटा पॉइंट्स की जरूरत है वो डेटा पॉइंट्स आप इनको दे दें इंडस्ट्री की, वो भी अगर उससे कंपेरेटर का पता ना चले, उससे कंपेरेटर का पता नहीं चलना चाहिए, उस प्लेयर का उस कस्टमर का नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आखिरी बात आ जाती है भाई, डिपेंड्स व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट सेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए कोई आप एथिकल काम कर सकते हैं तरीके का, तो आप बहरहाल वहां पे करेंगे, अदरवाइज आप वहां पे वो काम नहीं करेंगे, वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए तरीका जो है वो ठीक नहीं है, सही नहीं। तो यहाँ पे बहरहाल इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है हमारा पार्ट ए यहाँ पे डन हो गया, बी यहाँ पे डन हो गया और डी यहाँ पे डन हो गया। अच्छा आज के सेशन को मैंने प्लान किया था इनिशियली 9:30 बजे तक, मेरी 9:30 पे एक मीटिंग है छोटी सी, वो लेना थोड़ा सा ज़रूरी है मेरे लिए। हम कल के सेशन में बाकी तीन पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, कल भी इंशाल्लाह सेम टाइम पे हमारा सेशन होगा और हम ये सवाल भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस हैं, और कोई चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्टी है, आपको कहीं पे कोई मसला हो रहा है, तो वो भी आप लोग जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा और लेकर आ जाइएगा, हम उसके हवाले से बात कर लेंगे। यहाँ तक चीज़ क्लियर होती है, एवरीवन गेट्स इट, सिर्फ एक यस या नो लिख दोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा। कल के सेम टाइम के सेशन में हम इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स को कर लेंगे। इज इट हेल्पफुल, क्या आपको ये बात समझ आई? ये किसी ने लिखा है कल सर, भाई ये कासा का सेशन नहीं हो रहा, इट्स नॉट कासा का सेशन, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए रखा था तो मैंने ओपन फॉर ऑल कर दिया है, कल जिसके पास वक्त हो ज्वाइन कर सके कर सकता है। वो जो आप सेशन का रेफरेंस दे रहे हैं वो किसी ने अपनी पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए रखा हुआ है, या वो जो भी तरीकाकार इनका होता है, दिस इज नॉट समवन सेशन बाय द वे, ये मैंने अपने ओन पे रखा है और लिंक शेयर किया है इन लोगों के साथ। चले आई होप आप लोगों को जो है वो इससे फायदा हुआ होगा,
हम कल सेम टाइम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और पार्ट टू इसका जो है वो वहां पे मुकम्मल करेंगे। सेम टाइम होगी हमास, सेम टाइम होगी इंशाल्लाह।